एजाए उठी पारुनी माँ झीर मृतदेह दुर्गंध से फाटी पड़ुछी गाँ दांड राजनगर माँ झी मृत्यु घटना को चारिदिन बीती उठी पारिना उभयों मृतदेह जिद्रे अटल रही उत्त्यक्त ग्रामवासी अभियुक्त को धरने को दाबी वर्तमान जोर धरी आज राजनगर थाना आईआईसी तहसिलदार बीडीओ घटनास्थल में पहुंची लोकं बुझासुझा कर प्रशासनिक अधिकारी मामू घर दुआरे पड़ी माँ झीर मृतदेह ए गाँ मंदिर और घर देवादेवी पूजा मध्य बंद रही ग्रामवासी गोटे जिद रही अभियुक्त को गिरफ न करा पर्यंत शव सत्कार होना तेरे पुलिस मृत सत्यप्रिया मामू पुओ भाई संजय को अटक रखी मामू घर अन्य सदस्य सब घटना पर फेरार रही गत 19 तारीख में राजनगर माणपड़ा गाँव प्रमीला नाथ निखोज हो जाते माँ को निखोज को नहीं झी सत्यप्रिया राजनगर थाना को एतला देवाक जाते थाना फेरवापर सत्यप्रिया मृतदेह मामू घर निकट पोखरी मिलता झी सत्यप्रिया मृत्युर कि समय पर केन्द्रापड़ा हंसुआ नदी गोवर्धनपुर गाँ निकटर माँ प्रमीला मृतदेह उद्धार होता बर्तमान पुलिस एफआईआर दे थाना पुलिस किसी बुझुना पैसा खाई बस पड़ी शब पड़ी रही पांच दिन है शब सत्कार कौन करा जाने से मानक आरेस्ट करा है ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई सरोज आम प्रतिनिधि जोड़ी होती सीधा सड़क सरोज बर्तमान आपण एने अपडेट कौन रही देखो बर्तमान आम सत्य कल खबर बारंबार प्रसारण कर जो सत्यक्रिया हूँ प्रमीला दुई दुईट मृतदेह न्याय पाइबा तेज आज ताजा चित्र जब मुझे देखा चाहिए बर्तमान प्रशासनिक अधिकारी आईआईसी कथा कहते बीडीओ तहसीलदार तीन जन प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पहुंचते तेज लोक बुझाशुना करते सबुठ बड़ कथ है निर्देश किसी बाहर पाए कहीं लोक एटा दिग्रे अटल अच्छा कि भाव से न्याय मिले न्याय मिलना तो सब सत्कार करा दे आईएससी दौरान बर्तमान अभियुक्त को गिरफ कर न जा शव सत्कार कर दिया किंतु कौन देखुं गाँ लोक बुझा सुझा प्रक्रिया बर्तमान आरंभ हो जाए भाव ये तथ्य तो रही है आईआईसी कथा कहतु तहसीलदार एवं बीडीओ घटनास्थल में पहुंची लोक मान बुझा सुझा कौन बर्तमान गाँववासी कौन रोच प्रतिक्रिया से बुझा चेष्टा कले कि किसी स्थित आज देखिपार देखो कौन से निर्देश स्थिति पहुंची कौन से समाधान बार्ता अपर्जन कले प्रशासनिक अधिकारी मैंने ग्रामवासी ने बुझा सुझा करते चेस्टा चलते कि सब सत्कार करेंगे ग्रामवासी कहाना नहीं जिते बिल संजय को निगला पचरा उचरा कराए पर लोक कहीं निगला ना जे पर्यटन परिवार लोक से कस्टडी न नहीं पर लोक पचरा उचरा न कराई से पर्यटन शव सत्कार करना से दीदी अच्छा अंचलवासी ग्रामवासी पर लोक कथ कहते बर्तमान ताजा स्थिति स्थित ए पर्यटन अटक रखी बर्तमान ये तथ्य जहाँ रही संजय नाम जो अटक रखी किसी पचरा उचरा कला कि पुलिस किसी तथ्य हासिल कला कि देखो पुलिस रही तदंत प्रक्रिया चली संजय को अटक रखी पचरा उचरा करपटे जो एक मस रिश्ते सत्यप्रिया कैसे बाहर पुलिस फोकस रही प्रकृतर एटी ग्रामवासी मैंने दावी करते हैं डीएनए टेस्ट बंद कर दावी करते हैं तेनाली प्रकृतर डीएनए टेस्ट कराने सत्य आहरी आगक आस पुलिस तदंत प्रक्रिया आहरी बढ़ो तेनाली निश्चित भाव पुलिस एक भूमिका रही कि भाव पर पचरा उचरी करेंगे कि संजय को सारी कथा उदाय कर तेनाली पुलिस गुरुत्व बढ़ा आवश्यक रही पुलिस भूमिका के लिए प्रश्न उठाते पुलिस जहाँ चाकरी रही तदंत प्रक्रिया को शिथिलता करी पुलिस
ତାକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ଆସାମୀ ସପକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଆସାମୀ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାତୀୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଜିଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏଇ ଜାତୀୟ ଜିଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଜଣେ କି ଦୁଇଟି ପରିବାର ନୁହେଁ, ଶହେ ଶହ ପରିବାର ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ କି ସେ ଜାତୀୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସେ ଜାତୀୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯିବ, କିଭଳି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ତଦନ୍ତର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡୁଛି ସରସ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ସେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାମୁଘର ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପତା ମିଳିଲାଣି କି, ଏ ନେଇ ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୋଲିସକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅପରାଜିତ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା, ସଞ୍ଜୟର ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟକୁ ନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସିଧେଇ କରି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା ପୋଲିସ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ନେଲା ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଲୋକ ଫେରାର ହେବାକୁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।